हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। ये एक नॉर्मल थार है और इसी के बाजू में है फुल्ली मॉडिफाइड थार। ये टायर और सस्पेंशन फुल ऑफ रोड के लिए बना है और आज हम इन सारी गाड़ियों का सस्पेंशन टेस्ट करने वाला है। यहाँ पर दो और गाड़ियां जो फुल्ली ऑफ रोड है और दो बड़े बड़े ऑफ रोड वाले ट्रक्स भी है और ये वाली मिलिट्री की ट्रक है क्योंकि हम लोग मिलिट्री बेस में आए हुए हैं। ये मिलिट्री का कंट्रोल टावर है, इसके अंदर खड़े रह के देखे पूरा बेस दिखता है और ये यहाँ पर मिलिट्री का रनवे है। सबसे पहले लेवल 1 टेस्टिंग के लिए मैंने ये छोटा सा ग्राउंड बनाया हुआ है। एकदम छोटे छोटे क्यूट पहाड़ है, इन पहाड़ों के ऊपर हम हमारी गाड़ियां चढ़ाने वाले हैं। तुम सब से कौन पहले आना चाहेगा? सबसे पहले मिलिट्री वाली ट्रक लेते हैं, नहीं तो मिलिट्री वाले हमको भगा देंगे इधर से। तो चले, मिलिट्री गाड़ी के अंदर आ चुके। अरे तो एम्बुलेंस जैसा दिख रहा है, इधर से दरवाजा भी खुलता है। ओ वाओ, नहीं अभी बंद करो भाई, ये पीछे के दरवाजे भी खुलते हैं। आई गेस ये मिलिट्री का एम्बुलेंस है भाई, दरवाजे बंद कर दो भाई, फुल सिक्योरिटी चाहिए हमें। ये बोंगा कैसे बजा ऊपर का? तो चलिए भाई, मिलिट्री के ट्रक को आगे लेके जाते। ओए 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 भाई, कुछ ज्यादा ही फास्ट है। इस ट्रक को हम टेस्टिंग ग्राउंड की तरफ लेके जाते हैं। ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है। ओ तेरी, ये ट्रक ड्रिफ्ट भी मारती है, वाह भाई। चलो मिलिट्री ट्रक टेस्टिंग इन 3, 2, 1 गो। देखते हैं इसके टायर के सस्पेंशन। ओ वाह, क्या मस्त स्मूथ लग रहा है ये। लेकिन ये ट्रक कुछ ज्यादा ही उछल रहा है और नीचे टच भी हो रहा है। क्या ये एंड तक पहुंच पाएगा? अरे अरे, बीच में ही टेढ़ा हो गया यार, क्या ट्रक बनेगा रे तू? इसलिए इस ट्रक को हम पास नहीं करेंगे भाई। सोच ले, तू मिलिट्री के जगह में रहके उनको ही फेल कर रहा है। ये ट्रक पास हो गया, बेपास हो गया, फुल 100 में से 150 मार्क्स। चलो टाइम फॉर नेक्स्ट व्हीकल, हम इस ग्रीन वाली को लेते हैं। इसके लाइट्स का मस्त दिख रहा है ना, फुल मॉडर्न है एकदम। ये तो भाई 100% पास हो जाएगी। ओ क्या आवाज है इसका भाई, मेरे कान फटने लगे हैं ब्रो, आवाज कम करो। अंदर से ये कुछ ऐसे दिखता है, ये क्या लाइट? वो लाइट का बटन है। ये गाड़ी के लिए पूरा एक केज बनाया गया है भाई। और ये पीछे इसका इंजन है, बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई, इसको लाइन में लेके जाते हैं। चलो चले देखते हैं ये यहाँ पर कैसे परफॉर्म करती है। ओ वाओ, दिस इज सो स्मूथ यार, कितना स्मूथली जा रही है ये ऊपर से। वाओ, एंड ये पास। इसके लिए तो एक चुटकियों का खेल था। इस गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है, भाई ओवर हीट होके जल ना जाए। और वेट अ मिनट, इसके पास नाइट्रोजन भी है। इसका मेरे को स्पीड टेस्ट करना पड़ेगा। ओ भाई भाई भाई, रुको रुको रुको, ये क्या है भाई? ये किसकी टूटी फूटी गाड़ी है बे? अरे रनवे के बीचों बीच खड़ी है। अबे इस पे तो मेरा ही नाम लिखा है। शायद ये मिलिट्री वालों का कुछ सीक्रेट होगा जो कि मुझे बताना नहीं चाहिए। मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ मेरी वाली, और भाई गाड़ी चालू करके निकल जाता इधर से। इसको भी मिलिट्री वाले के बाजू में लगा देता है। ये सारी गाड़ियां टेस्ट हो चुकी है और वो वाली सारी बाकी है। अभी भाई लोग इस ट्रक का टेस्ट करते हैं, देखते हैं इस ट्रक में से लकड़ा गिरता है कि नहीं। ट्रक का इंटीरियर दिखाओ भाई। ओहो क्या मस्त इंटीरियर है वे। इधर पीछे एक बेड भी है जिसमें मैं सो सकता हूँ। अभी देखते हैं कि उधर परफॉर्म कैसे करती है। ओ भाई इसमें बहुत पावर है। इसके स्टीयरिंग व्हील में एक साथ दो दो टायर हिलते हैं। एडवांस ट्रक है भाई एकदम। भाई ये दूसरे गियर के ऊपर जा ही नहीं रही है। चल जा भाई, इतना भी क्या स्लो चल, गिर जाएगा भाई आराम से आराम से। आई डोंट थिंक सो, ये ट्रक पास होने वाली है। एंड 3, 2, 1 हियर वी गो। चलो भाई ट्रक, अबे यार स्टार्टिंग में ही स्लो हो गया, अबे ये तो शुरू होता ही खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई, हो जाएगा। कमऑन कमऑन ट्रक, अभी इसके टायर हवा में घूम रहे हैं। अच्छा ये ट्रक 8x8 है। अरे पहला पड़ाव पार हो गया और इसके टायर्स कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रहा है। कमऑन लेट्स गो, थोड़ा ही बाकी है भाई, दम लगा भाई। एंड ये एंड तक पहुंच गया भाई, यस। ये ऑलमोस्ट काटे पे पास हुआ है भाई। लेफ्ट राइट लेफ्ट, मस्त मार्चिंग कर रहा है ट्रक। ओ भाई ट्रक के टायर टूट गए, इसके टायर टेढ़े हो गए भाई। वाह भाई ट्रक बहुत ज्यादा वजन झेल लिया लगता है तूने। चल साइड में आके खड़ा हो जा अभी। चलो नेक्स्ट आ गई है हमारी ये बग्गी के बारी। पीछे दो एक्स्ट्रा टायर भी लटके हुए हैं, आई गेस वो वजन बैलेंस करने के लिए रखा होगा। अंदर से कैसे दिखते है? ओ वाओ, फुल फाइटर जेट वाली फीलिंग आ रही है भाई अंदर से। इधर कुछ लिखा हुआ भी है, दिस साइड अप पिट क्रू, गाड़ी जो मेंटेन करता है उनके लिए लिखा है ये। और इधर विंडो पे ये लोग ने कुछ पट्टियां लगाई हुई है ताकि चलाते चलाते मैं बाहर ना गिर जाऊं। इस गाड़ी का आवाज सुना है, देखो मैं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आहा क्या मस्त आवाज था भाई। यार लेट्स गो भाई, इसका स्पीड टेस्ट करने में बहुत मजा आएगा। ओ भाई भाई रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, पहले सस्पेंशन टेस्ट बाद में स्पीड टेस्ट, ओके। लाइट किधर से चालू होता है? ये एक भी ओ नहीं चल रहा है ये बटन। ओ वाओ, आई गेस ये दोनों बटन लाइट के है। ओ यस लाइट के ही है भाई, अगर मिल रहे तो मैं खरीद लूंगा इसको। सच में नहीं है, नहीं तो मम्मी मारेगी। इतना बड़ा इंजन का रेडिएटर लगा हुआ है और इस कार को भी केज की तरह बनाया हुआ है। ये बुर बुर करते हुए गाड़ी आई हमारी। 3, 2, 1 गो। अरे आगे आगे जा आगे। एंड ये गाड़ी बढ़ रही है सस्पेंशन टेस्ट की तरफ। एंड ओ वाओ, इसका पीछे का टायर कितना स्मूथ है यार, दिस इज सो सैटिस्फाइंग, मैं इसको पूरा दिन बैठ कर देख सकता हूँ। एंड ये खत्म, टेस्ट पास हो गई भाई। ये अब तक का सबसे स्मूथ टेस्ट था। वंस मोर भाई, ये प्रदर्शन एक और बार हो जाए। जरा इसके टायर देखो यार, कितने स्मूथली ऊपर जा रहा है। इसका सस्पेंशन कितना सॉफ्ट होगा भाई। अब मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और वाओ कितना कंफर्टेबल लग रहा है भाई। इससे ज्यादा कंफर्टेबल कार और कोई नहीं हो सकती भाई। इसको तो 100 मार्क्स भी कम पड़ने वाले हैं। चल तू इस ट्रक के बाजू में जाके, अभी
ठोक दिया भाई। अबे यार नुकसान कर दिया भैया, आगे का पार्ट पूरा उखड़ गया। इस ट्रक को मैं भगाने वाला हूँ, एक तो काम कुछ नहीं किया ऊपर से नुकसान करवा रहा है। चल हाँ बेटा आराम से खड़ा हो जा। अरे यार क्या गंदा दिख रहा है ये शी, इसको गैरेज में लेके जाके रिपेयर करवाना पड़ेगा। अब बारी आती है थार की। सबसे पहले नॉर्मल वाली थार, फिर वो एपिक वाली थार। भाई नॉर्मल थार तो इतना परफॉर्म नहीं करने वाली है शायद। उसका इंजन टॉर्क मस्त है, एकदम फटाफट पिकअप ले रही है। इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो ऐसे आगे से ऊपर जाता है। उसका रीजन ये है कि ये पानी में भी चल सके इसीलिए, क्योंकि अगर एग्जॉस्ट के अंदर पानी चलेगा तो इंजन ही बंद हो जाएगा। चलो भाई अपनी थार लाइन में लग चुकी है, लेट्स गो। देखते हैं अपनी सादी वाली थार कैसे परफॉर्म करती है। आई डोंट थिंक सो इसका कुछ ज्यादा होने वाला है। ओ भाई उछल रही है भाई, गाड़ी पूरी उछल रही है और इसके टायर भी फुल डैमेज हो रहे हैं। एंड ये ऑलरेडी पाथ के बाहर जा चुकी है और ये सीधे लाइन में रह ही नहीं रही है। एंड में आ चुका है और ये फेल हो गई। बट यू नो व्हाट, ये थार इस रस्ते के लिए बनी ही नहीं है। इस रस्ते के लिए तो वो वाली थार बनी है। इसका इंटीरियर तो देखा ही नहीं अपन ने। ओके काफी बेसिक है, फुल काला काला। अब आते हैं अपनी ऑफ रोड वाली थार पे। भाई ये सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाली है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका इंटीरियर देखते हैं, वो ये भी काफी बेसिक है लेकिन अच्छा है। भाई ये कुर्सी सेम मेरे पास भी है, फुल रेसिंग कार वाली चेयर है ये, और ये भी फुल टैंक की तरह बनी हुई है। तो चलो इसको वहां पर लेके जाता है। भाई इसके टायर ही बहुत बड़े हैं यार, इसका टायर कभी पंचर होगा ही नहीं। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं हमारी टेस्ट। ओ भाई कुछ ज्यादा ही झटके से उछली हुई है। एंड हियर वी गो। ओ भाई ये भी उछल रही है यार, ये पहले वाली गाड़ी जितनी स्मूथ नहीं है। फुल अंदर बैठे वाले आदमी को चक्कर आने वाला है। एंड हियर वी गो टुवर्ड्स दी एंड। भाई इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसके सस्पेंशन शायद थोड़े कड़क है। चलो भाई इन्हीं के बाजू में आके रुक गया, तू अपने आप रुक गया, शाबाश, इंटेलिजेंट है। ये वाली गाड़ी ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है और उसी को मैंने ठोक दिया। चलो अब इसका स्पीड टेस्ट करता है। चल बेटा आ जा, तुझे फुल स्पीड पे भगाएंगे। अब तो हम ये रनवे के एंड में आ चुके हैं। भाई उस सीक्रेट गाड़ी को संभाल के, ठोकना मत उसको नहीं तो मिलिट्री वाले मुझे ठोक देंगे। 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। भाई फर्स्ट गियर में 50 पहुंच गई। भाई ये गाड़ी फुल आउट ऑफ कंट्रोल है। एक कार रेस लगा दिए मेरे साथ, टूटी फूटी है, क्या रेस लगाएगी वो। 90 कम ऑन लेट्स गो, 100 भी हो गया भाई। देखता इसकी टॉप स्पीड कितनी है। ओके 130 आई गेस 140 भी पहुंच जाएगी। पहुंच गई भाई 140 भी पहुंच गई, और थोड़ा 150 भी पहुंच गई भाई। अगर इसमें नाइट्रोजन होता ना तो पहुंच जाती 160। ए ब्रेक मारो भाई, भाई भाई ठोक देगा भाई एंड में। ओके ठोकने वाला हूं मैं। हश रुक गई भाई, ये कार थोड़ी अनस्टेबल है यार, इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है ना इसीलिए। चल भाई तो इधर खड़े हो जा, ये 150 है याद रखना ठीक है। अभी ये वाली थार का टेस्ट करते हैं हम लोग। भाई काम करूंगा इसको, ये गाड़ी पे चढ़ा दूं क्या? पहले चढ़ा के देखते हैं, मजा आएगा शायद। चढ़ तो जाएगा भाई मुझे लग रहा है ऐसा। कमान लेट्स गो। ओ यस चढ़ गया भाई, देखो एक टायर पूरा ऊपर चढ़ गया ब्रो। ओके इसके आगे नहीं चढ़ रहा है। तो ये रॉक क्लाइंबिंग व्हीकल है, देखा क्या भारी गाड़ी है ये भाई। अरे 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 पलट गई। ओके लेकिन सीधी भी हो जाएगी शायद। भाई सीधी हो जा प्लीज, भाई अंदर से धुआं निकलने लगा है। तो यहाँ पर कॉर्नर में गाड़ी का स्टेटस बता रहा है, एक दरवाजा टूटा हुआ है और ये इंजन खराब हो चुका है। कोई बात नहीं हम नई गाड़ी स्पॉन कर लेंगे और क्या। चल दरवाजे को साथ में लेके जाता है। कमान दरवाजे। ओ भाई दरवाजा अटक गया, इस बार तो ये दरवाजा तोड़ के रहूंगा मैं। चलो ये टूट गया, यस निकल गया। अभी हाई स्पीड टेस्ट करते हैं, लेट्स गो। इसको 50 तक पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है, ये 100 बिल्कुल नहीं पहुंचेगा शायद। आई गेस ये 70 तक ही जाएगा, 70 के ऊपर नहीं जाने वाला है। ओ 70 पहुंच गया भाई। ओके 80 के ऊपर नहीं जाएगा। ये गाड़ी का व्यू नीचे से क्या मस्त आ रहा है भाई, इसका सस्पेंशन फुल टुबुक टुबुक हो रहा है। ओ भाई 80 पहुंच गया गाइस। ओ भाई रनवे खत्म हो गया। अरे होश भाई, इस गाड़ी का ब्रेक मस्त है भाई, तू 80 पे पहुंच गया, बहुत बड़ी बात किया तूने। चल अभी तू 150 के बाजू में जाके खड़ा हो जा। अब इसकी बारी है भाई, आया इसका इंजन का आवाज ही बहुत मस्त है और इसके अंदर नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन को मैं इधर ऑन कर लेता हूँ एंड हियर वी गो। ओ 50 पहुंच गया भाई। अरे लेकिन ये टेढ़ा क्यों जा रहा है ब्रो, सीधा जा सीधा सीधा। ओके 120 पहुंच गया गाइस, 130 भी पहुंच चुके हैं भाई। 140 क्रॉस, लेट्स गो। ओ पीछे से आग छोड़ रहा है ये, वाह ये तो मैंने देखा ही नहीं, क्या एक नंबर भाग रहा है ये गाड़ी। अबे मैं तो 200 एक्सपेक्ट कर रहा था, ये 150 भी नहीं पहुंचा। रुक जा भाई खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। तो 140 को मैं 150 और 80 के बीच में घुसाता हूँ। बस भाई बस, अभी अपनी थार की बारी है। क्या लगता है तुमको थार कितनी पहुंचेगी? तो स्पीड टेस्ट चालू हो चुका है, यहाँ पर 50 तो पहुंच ही गई है। एंड 100 पहुंच गए। कमान 100 भी नहीं, ओ माय गॉड भाई, इसका पीछे का टायर जो हिल रहा है ना, ऐसा लगता है अभी टूट के गिर जाएगा। अभी हम इसको ब्रेक मारेंगे। चलो भाई 104 है इसका स्पीड, 104 तो FM का भी है। चलो भाई 104 तो 140 के सामने आके खड़े हो जा। बस टोकना मत। ओके अभी कौन बचा, ये ट्रक 10 भी नहीं पहुंचेगी। एंड हियर वी गो। चलो भाई गो, मैं धक्का मारने आऊं क्या तेरे को? अरे हाँ इसके टायर तो टूटे हुए थे ना। अरे भाई नई ट्रक स्पॉन करो भाई, नई ट्रक भाई टूटे टायर में कैसे चलेगी, है ना। ये लो भाई नई ट्रक स्पॉन कर रहा हूं मैं। एंड इसके टायर एकदम मस्त है, अब बराबर भागना भाई। इसके अंदर कितने गियर है, 8वें गियर पे चल रही है ये। ओ भाई 9वां गियर भी लग गया। ओके 40 के ऊपर गई है ये, 10वां गियर लग चुका।
चुका है यहाँ पर। ट्रक का सस्पेंशन भी क्या मस्त हिल रहा है, सारे लोग ऐसे टुबुक 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 हो रहे हैं, कितना सैटिस्फाइंग लग रहा है। अरे ओके 60 पहुंच गए, 11वां गियर लग गया, माय गॉड। ओके चलो रनवे का एंड आ चुका है, अभी मिलिट्री ट्रक को टेस्ट करते हैं। चल भाई रेडी? चलो ये तो ऑलवेज ही रेडी होता है। एंड चालू हो चुका है टेस्ट। इसमें कितने गियर है, 5 होंगे शायद या फिर 6 गियर होंगे, 6 से ज्यादा नहीं होंगे शायद। ओके 50 टच चुका है, कांग्रेट्स। वाव ये नीचे से क्या मस्त दिख रही है, आई थिंक 57 इज द टॉप स्पीड। क्या मिलिट्री वाला थोड़ी तो भगाया करो यार गाड़ी को भैया, गाड़ी पहाड़ों पे चढ़ने के लिए बनी है, भगाने के लिए नहीं बनी है। एंड ये गाड़ी भी अपने ग्रुप के साथ आ चुके है। अबे ब्रेक मार भाई 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 भाई, मैंने मिलिट्री वालों की गाड़ी ठोक दी। अभी निकलेगा क्या पीछे? हाँ कमान निकल तो जा भाई, भैया गाड़ी फुल घुस चुकी है अंदर, निकल ही नहीं रही है। ओके चलो फाइनली निकल गई। क्या ठोका है भाई, फुल कांच वाच टूट चुके हैं इसके, और ये आगे का पार्ट तो फुल घुस चुका है अंदर। भैया मिलिट्री वाले लोग बहुत मारने वाला है मुझे। अब मैं कहीं पर जाके छुपता हूँ, तब तक तुम ये वाला वीडियो देखो। एंड हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए गुड बाय।